बाबू भैया स्टाइल से जियो, खाना भी काटा चम्मच से खाओ यार। कैसा खाएगा रे, वड़ा पाव काटा चम्मच से कैसा? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ए टू रिव्यूज। गाइस, आज इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के टॉप 10 कॉमेडी मूवीज के बारे में बताने वाले हैं और उन सभी बॉलीवुड कॉमेडियन के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने हंसते हंसाते हमें जीना सिखा दिया। तो बिना टाइम गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर है 2006 में आई भागम भाग। वो भाग कहाँ से आया? महिला, वो आदमी ने अच्छा थोड़ा खा के मेरी तरफ फेंका, मुझे लगा सीताफल है यार। जिसे डायरेक्ट किया था कॉमेडी मूवी के मास्टर प्रियदर्शन ने। जब कॉमेडी के महारथी गोविंदा, अक्षय कुमार और परेश रावल हीरोइन के पीछे भागम भाग करते तो वो देखकर हमारा पैसा वसूल हो जाता है। ट्रक पकड़ कर सीधा इंडिया भागना शुरू करे तो क्या लगता है कितना टाइम लगा? क्या अंदाज़? तेरी बेटी है? मेरी बहन की बेटी है, 5 साल की। जब तक हम हिंदुस्तान पहुंचेंगे तब तक तेरी बहन। नंबर 9 पर टाई हो चुका है दो मूवीज के बीच में। पहली है 2014 में आई फुकड़े। पागल हो गए क्या जफर भाई, इस साला महीनों महीने ब्रश ही करता और मैं इसके मुंह से मुंह लगा के हवा भरूं। और दूसरी है 2011 की दिल्ली बेली। कौन है? सर लुंड्री। नहीं चाहिए लुंड्री। अबे दोनों मूवी कॉमेडी कैटेगरी के अंदर एक नई कहानी की तरह है। दिल्ली बेली के मेकर आमिर खान ने इसके ट्रेलर के अंदर ओपनली ये कह दिया था कि जो सेंसिटिव पर्सन है वो इस मूवी को देखने बिल्कुल भी ना आए। नंबर 8 पर है 1997 में आई मूवी चाची 420। फिर से टक्कर लग गई, लगता है पिछले जन्म के बिछड़े हुए हैं लक्ष्मी जी। वर्सेटाइल एक्टर कमल हसन की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से ये मूवी फुल पैसा वसूल था। दो बा दो बू, ज्योतिष विद्या में विश्वास रखते हो? नहीं नाम नहीं, ये कह रहा है कि मैं बचपन की वो दिन जब इन मूवीज को देखने के लिए हम स्पेशल वीसीआर प्लेयर और कैसेट लेकर आते थे, ये हमें आज भी याद है। नंबर 7 पर है 2007 में आई वेलकम। ये उन मूवीज में से है जिन्हें आप दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ या फिर अकेले बैठकर भी एंजॉय करेंगे। करोड़ और वो भी 4, तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? ये उन मूवीज में से है जिसके सिर्फ सीन्स अगर आप याद करेंगे तो भी आपको हंसी आ जाएगी। गुरुजी मेरे जी, जी मत कहिए मुझे प्लीज। अरे ऐसे कैसे, आजकल बिस्किट को भी पार्ले जी कहते हैं आप तो। नंबर 6 पर है 2006 में आई गोलमाल। अरे मैं भाई को बताया नहीं या कि भाई संजय दत्त लगता है यार, वही बॉडी वही फेस कट। कॉमेडी और एक्शन का परफेक्ट बैलेंस इस मूवी में। अजय देवगन की कॉमिक टाइमिंग मुझे बहुत पसंद आया। सभी एक्टर्स ने अपने परफॉर्मेंस और कॉमिक टाइमिंग के दम पर इस मूवी को मेमोरेबल बना दिया। क्या बोला? नंबर 5 पर है 2003 में आई मूवी मुन्ना भाई MBBS। ये स्वामी तू करना इनकी रागी, अपुन को देखने गए। ये मूवी नहीं, इसे हम हमारा फेवरेट टीचर कहेंगे जिसने हमें हंसते हंसाते लाइफ के कई सारे लेसन सिखा दिए। इस मूवी में संजय दत्त की एक्टिंग, जादू की झप्पी, डॉक्टर अस्ताना, सर्किट और मुन्ना भाई की दोस्ती, ये सब कुछ इस मूवी को एपिक बनाती है। एनी क्वेश्चंस? यस सर। यस। वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? नंबर 4 पर है 2003 में आई हंगामा। इस उम्र में उछल कूद करोगे, कुछ हो गया तो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे नहीं टाइल्स की बात। इस मूवी के सभी कैरेक्टर्स ने दुनिया का सबसे मुश्किल काम किया है और वो है दर्शकों को पेट पकड़ कर हंसाना। गाड़ी की डिक्कियां भर भर के सोना लाई थी, समेत वापस कर दो फिर जो मन में। राम राम पत्नी है कि पनौती। इस मूवी में हीरोइन आखिर किस हीरो की रहेगी? इस कंफ्यूजन के चक्कर में होने वाला सारा हंगामा जिसे देखकर आपकी लाइफ के सारी टेंशन गायब हो जाएंगे। नंबर 3 में टाई हो चुका है 1990s की दो मूवी, एक क्लासिकल कॉमेडी और एक हिट मूवी के बीच। अब इनमें क्लासिकल है अंदाज अपना अपना। अंकल उसी गोद में बैठी, गोद अंकल गोदी वाली गोदी, चल नीचे उतर। और हिट है दूल्हे राजा। क्या लगती है हाय रब्बा, क्या दिखती है हाय रब्बा। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन अंदाज अपना अपना उस टाइम की सबसे बड़ी फ्लॉप मूवी थी जो आज 21st सेंचुरी में
टॉप 3 कॉमेडी मूवीज की लिस्ट में है। नाम सुनके ही मुझे अंदाजा आ गया था कि तुम फिल्मी और आवारा किस्म के लड़के, शक्ल से तो जाहिल और मूर्ख दिखते ही हो। और अगर बात करें दूल्हे राजा की तो इस मूवी के अंदर कॉमेडी दुनिया के 3 बादशाह यानी कि जॉनी लीवर, कदर खान और गोविंदा है। फैमिली रूम बना रहे हैं। फैमिली रूम वो क्या के लिए? अरे शादी करके बीवी लाएंगे तो आपके होटल में रखेंगे क्या? अबे मैं तेरा ढाबा गिराने के चक्कर में। नंबर 2 पर टाई हो चुका है 2 मूवीज के बीच में। पहली है 2007 में आई धमाल। अब तुम्हारी शर्म है? चुप, हम मरना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते भाई। चाहो ना चाहो, इस मूवी के अंदर 1 मिनट भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर कॉमेडी ना हो। ये वो मूवी है जिसको आप चाहे जितनी बार देखे उतनी बार आप एंजॉय करेंगे। और दूसरी मूवी है 2009 में आई 3 इडियट्स। क्या एक कॉमेडी मूवी आपको एजुकेट, इंस्पायर और चेंज कर सकती है? तो ये मूवी उसका एग्जाम्पल है। 3 इडियट्स में विधु विनोद चोपड़ा ने हमारे एजुकेशन सिस्टम की डार्क साइड को कितने मीनिंगफुल और मजाकिया ढंग से दिखाया है, जिस वजह से हम सबके दिमाग के साथ दिल में बस गए ये मूवी। उत्तमम दद्दात पाद मध्यम। नंबर 1 पर है हेरा फेरी। ये बाबूराव का स्टाइल। अगर आपको लाइफ में कभी भी दुख, दर्द या किसी चीज की चिंता सताए तो इस मूवी के साथ कुछ पल जरूर बिताना, आप सारी चिंता और दुख भूलकर हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। दो बार तू दारू का टैंकर भर के लाने का और ऊपर पानी की टंकी में डाल। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।